नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों कमेंट में बहुत ज़्यादा दिन से कमेंट आ रहा था कि सर जो रेड वाटर का कूलेंट है उसको कैसे निकालते हैं, बाहर की तरफ कैसे निकालते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बताएंगे कि बाहर कैसे निकालते हैं और चेंज कैसे करते हैं। बने रहे इस वीडियो में, बताई जाएगी पूरा नॉलेज। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इंजन के पास और वहाँ से कूलेंट रेड वाटर जो होती है उसमें से कूलेंट कैसे निकाला जाता है आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इंजन के पास और वहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि कूलेंट कहाँ से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बोनेट खोलते हैं और बोनेट खोल के दिखा दे रहा हूँ कि कूलेंट जो होती है रेड वाटर से कैसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि रेड वाटर का जो कूलेंट होती है, तो देखिए दोस्तों क्या होती है, कूलेंट जो होती है यहाँ से हम लोग डालते हैं, कूलेंट यहाँ से डालते हैं और रेड वाटर जो होती है ये अपना जो आप देख सकते हैं ये रेड वाटर है। और यहाँ से कूलेंट हम कैसे बाहर निकालते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे कि रेड वाटर से कूलेंट कैसे बाहर निकालते हैं। और चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से रेड वाटर का जो कूलेंट होता है यहाँ से हम लोग डालते हैं। फिलहाल में तो मैं पानी रखा हूँ, लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी पानी उसमें ना रखें क्योंकि पानी रखने से ज़्यादा गर्म होती है। तो चलिए हम रेड वाटर को बताते रहें कूलेंट कहाँ से चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं रेड वाटर का जो कूलेंट है वो कहाँ से चेक करते हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ वीडियो में। तो आपको आपको क्लियर मैं दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक का कैप है, उसको हम खोलते हैं और आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका कूलेंट कहाँ से निकाला जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ से दिखाने में आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपसे हम आपको दिखा रहा हूँ कि कूलेंट जो होती है ये वाला जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक जो ये वाला कैप है, आप देख सकते हैं ये वाला जो कैप है ये वाला, यहीं से कूलेंट बाहर निकलता है। चलिए हम कूलेंट को बाहर निकाल के हम थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं कूलेंट जो है बाहर निकलना शुरू हो गई है और देखिए कितना प्रेशर से कूलेंट बाहर निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कूलेंट कितना प्रेशर से निकल रही है। हाँ लेकिन आपको मैं क्लियर दिखा रही, देखिए कूलेंट कितना अच्छी तरह से बाहर निकल जा रही है। यहीं से कूलेंट निकाला जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कूलेंट है यहीं से निकाला जाता है। अब देखिए कूलेंट पूरा निकल गया बाहर और यहीं से कूलेंट बाहर निकाला जाता है। तो फिर अगर कूलेंट आपको फिर से अगर नया स्टोर करना है, आप देख सकते हैं पूरा जो कूलेंट है वो बाहर निकल गया और ये वाला जो है कैप यही कसा रहता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो कैप है इसी को हमको खोलना है, रेड वाटर में जो कसा रहता है प्रत्येक गाड़ी में यहीं पर रहता है, रेड वाटर में ही कसा रहता है। तो इसको हम खोल लिया और कूलेंट जितना है वो बाहर निकल गया। आप ये वाला जो डिब्बा है इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा अच्छा तरह से निकल गया। और कूलेंट कैसे डालते हैं देखिए दोस्तों, आप जब भी कूलेंट डालिएगा तो आपको मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से डालते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें गैस बनने का चांस बहुत कम रहता है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कूलेंट कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले जो कैप है इसको हम कस लेते हैं अंदर की तरफ और उसके बाद से बता दे रहा हूँ कि कूलेंट कैसे डालते हैं। आसान तरीका जानिए, क्योंकि आसानी से नहीं डालेंगे तो इंजन ज़्यादा गैस बनने का चांस होता है, तो फिर आपको गैस निकलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको पहले कैप जो है इसको हम कस लेते हैं, कूलेंट वाला जो कूलेंट का जो कैप खोले थे हम इसको हम अच्छा तरह से कस लिए हैं। और उसके बाद इसमें जब कूलेंट डालना हो तो 1 लीटर आप इसमें कूलेंट डालें, ठीक। कूलेंट डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर लीजिएगा, कूलेंट जब डाल लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट कर लीजिएगा और गाड़ी स्टार्ट करके उसके बाद से कूलेंट इसमें डालिएगा। और कूलेंट डालते समय अगर ये भर जा रही है तो ये जो पाइप आप देख सकते हैं ये वाला, इसको प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि इससे प्रेस करने से क्या होती है कूलेंट और अंदर की तरफ जाएगी। आपका पूरा जब कूलेंट भरा रहेगा तो गाड़ी कभी गर्म नहीं होगी। तो मैं तो अभी फ़िलहाल में कूलेंट
लिया नहीं है और ख़रीदने जाऊंगा मार्केट में, तो कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बना दूंगा। क्योंकि मार्केट में ख़रीद के कूलेंट जो होता है, कैसा कूलेंट आपको डालना चाहिए, ओरिजिनल कौन सा रहती है, डुप्लिकेट कौन से रहती है, क्योंकि हर एक चीज़ में ओरिजिनल और डुप्लिकेट का फ़र्क हो गया है। इसमें जितना भी सामान मिल रहा है सब ओरिजिनल और डुप्लिकेट दोनों मिल रहा है। कई जगह क्या होती है कि डुप्लिकेटें मिल जाता है ओरिजिनल के नाम पर, तो मैं अगर कहिएगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो देखिए कूलेंट आप एक लीटर इसमें डाल दीजिएगा, उसके बाद से अपना गाड़ी जो है वो चालू कर लीजिएगा, चालू कंडीशन में इसको डालिएगा, क्योंकि उसमें गैस बनने का बहुत कम चांस होता है और गैस बन रही है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं गैस प्रेशर, इसको हल्का सा खोल लीजिएगा, यहाँ से गैस आपका निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं निकल आते, इसको इस पाइप को थोड़ा सा पुश करेंगे, ऐसे ऐसे आप पुश करेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। इस पाइप को थोड़ा इसे पुश करेंगे फिर आसानी से आपका जो गैस बना रहेगा वो निकल जाएगा। और देखिए गैस के चेक, गैस किट जो होती है उसको चेक कैसे करते हैं, ये जब हल्का सा रेस लेंगे तो गैस किट अगर सही रहता है तो कूलेंट जो होती है वो नीचे की तरफ खींचेगी, इंजन जो होती है वो नीचे की तरफ खींचती है। अगर गैस किट खराब हो जाती है तो कूलेंट बाहर फेंकती है, ये ध्यान रखिएगा। जो गैस किट अपना है उड़ जाती है तो कूलेंट बाहर फेंकेगी, अगर नहीं उड़े रहेगी तो वो कूलेंट जो अंदर पाए खींचेगी, अंदर पाए खींचेगी तो समझ लीजिए गैस किट सही है। रियल केस में गैस किट जल्दी ख़राब नहीं होता है, और ऑलरेडी मैं गैस किट पर बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिया हूँ। तो कूलेंट बस यही डालने का होता है, इंजन चालू करके एक लीटर कूलेंट आप डाल लीजिएगा और इंजन चालू करके ही डालिएगा, क्योंकि उसमें गैस बनने का चांस बहुत कम रहता है। और कहिएगा तो मैं कूलेंट कैसे डालते हैं उस पर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।